नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 3 में विषय गुजराती में चैप्टर 4 आवरे वर्षात इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे बच्चों काव्य पंक्ति दी है, उसे हम पढ़ेंगे। आवरे वर्षात घेबरियो प्रसाद ऊनी ऊनी रोटली ने करेलानू साग। यहाँ पे काव्य पंक्ति है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे। आओ मेघ राजा बगड़ाओ बाजा, पी 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 पोम पोम पोम, मुसलधार मुसलधार वर्षे छे पानीड़ा धार, छलबल छलबल छोम छोम छोम, रेल मछेल नदी नाड़ा रेल मछेल, सर सर सोम सोम सोम। यहाँ पे बच्चों जो बरसात है उसको बरसने के लिए कहा गया है, और यहाँ इस चित्र में अपने देख रहे हैं कि बरसात में सभी बच्चे खेल रहे हैं और बरसात को बोल रहे हैं बहुत ही तेज पानी बरसाओ और नदी नाले भर जाए। वादड़ वादड़ वर्षो पाणी मुझने मजा पड़े रमवाने, ठंडक ठंडक थाय मारे मन, डाढ़ डाढ़ थाय मारे मन, वादड़ वादड़ वर्षो पाणी जाय नासी गर्मी नी राणी। यहाँ पे बच्चों बादल को बरसने के लिए कहा जा रहा है कि बादल आप पानी खूब बरसाओ कि गर्मी की रानी चली जाए और ठंडक हमको लगे। यहाँ पे नवा शब्द है बच्चों, उसे हम पढ़ेंगे। घेबरियो मुसलधार रेल मछेर अने डाढ़क। यहाँ पे बच्चों सांभड़ो अने बोलो, ये शब्द आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है बच्चों, आवरे वर्षा गीत वाचो अने साचा जवाब सामे सही करो। पहला प्रश्न है बच्चों, रोटली साथे सानू साग खावानी मजा पड़े। तो यहाँ पे भिंडानू करेलानू के कोबीजनू अपने करेलानू सामे सही करवाने छे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, केवी रोटली खावानी मजा पड़े छे। तो यहाँ पे अपने ने टिक किया है ना, तो ऊनी ऊनी रोटी खाने में मजा आती है। तीसरा प्रश्न है, वादन ने सु वर्षावानू कहे छे, तो पानी। चौथा है, वरसाद आवे तो कोनी राणी नासी जाए, तो वरसाद आवे तो गर्मी नी राणी नासी जाए। यहाँ पे गर्मी में सही करेंगे। वरसाद आवे तो नदी नाड़ा सू थई जाए, यहाँ पे वरसाद आवे तो नदी नाड़ा मा रेल मछेल थई जाए छे, यहाँ पे रेल मछेल आएगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों है, शब्दों वाचो अने लखो। यहाँ पे जैसे जो शब्द लिखा है उसको पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे ही आप लोग को अपने नोटबुक में भी लिखना है। वन दर रस वजन गरम समझ, और यहाँ पे है नर जन रस मगज गरम नजर, नमे जमे गमे रमे स्वरसे तरसे। यहाँ पे देख देख के आप लोग को लिखना है। आगे हम देखेंगे बच्चों, जोड़ का योग्य रीते जोड़ो। यहाँ पे सही जोड़ियाँ मिलानी है। यहाँ पे हमने मिलाया हुआ है ना सही जोड़ी, ऐसे ही आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और मिलाना भी है। यहाँ पे जैसे लिखा है साग तो करेलानू, रोटली ऊनी ऊनी, प्रसाद तो घेबरियो, नदी नाड़ा तो रेल मछेड़। यहाँ पे ऐसे जोड़ी मिलानी है। आगे हम देखेंगे, शब्दों वाचो अने लखो। यहाँ पे शब्द देख देख कर आप लोग को लिखना है। आगे हम देखेंगे बच्चों, तीर नी दिशा मा वाचवा थी बनता शब्दों। अपने तीर के दिशा में जो शब्द बन रहे हैं उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। जैसे यहाँ पे वे लिखा है और द लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना वेद, ऐसे ही आप लोग को लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेद, ऊपर लिखा है वेग वेर,
यहाँ पे वेर लिखा है, वेग तो यहाँ पे वेग लिखा है। इसी तरह से अपने यहाँ पे मिलाएंगे सेव देव नाव यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जितने भी अपने प्रश्न देखे बच्चों उसको आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है और ये काव्य पढ़ना भी है।